गुड इवनिंग पलवल, पलवल इलाके के सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों 8 बज चुके हैं और आपको मालूम है शाम को 8 बजे मैं आपके समक्ष लेकर आता हूं जोरदार खबरों का प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम के अंदर आपके आस पड़ोस की खबरें आपको यहां पर देखने को मिलती हैं। तो चलिए प्रोग्राम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहली खबर है भाई गोपाल सौरत गौरक्षक की पुण्यतिथि पर गाँव सौंद के अंदर गौरक्षक टीम व आईरप कॉलेज सौंद के द्वारा 1600 मीटर की दौड़ का आयोजन करवाया गया, जिसमें हमारे बच्चों ने भाग लिया और सभी बच्चे दौड़ के लिए गए जिनको जाना था। और इस दौड़ के बाद सतपाल गुरुजी ने जो भी बच्चे फर्स्ट सेकंड और थर्ड आए थे उन बच्चों को 2 किलो देसी घी दिया और उनकी हिम्मत बढ़ाई। हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं सतपाल मास्टर जी का, जो हमारी नई पीढ़ी को उत्साहवर्धन कर रहे हैं, उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं, जिससे कि वो बच्चे आगे भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आने का प्रयास करेंगे। दोस्तों गौ रक्षक दल गांव सौंद में बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहा है और अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, तैयार रहता है। और इसी का एग्जाम्पल गोपाल भाई हैं, जो गौ रक्षक दल के सदस्य थे और अपनी जान उन्होंने गौओं के प्रति कहते हैं कुर्बान कर दी और एक नई भूमिका निभाई। तो दोस्तों ये जितने भी गौरक्षक दल हैं मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं, और सौंद गांव के गौरक्षक दल का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जो बच्चों को आगे बढ़ाने और आगे बढ़ाने में हिम्मत दे रहे हैं, रेस वगैरह करवाते हैं और बहुत ही हिम्मत का कार्य करते हैं, गौओं को बचाते हैं। कई बार ऐसी ऐसी खबरें मिलती हैं कि फलानी जगह पर गौओं की तस्करी हो रही है, तो वहीं पर पहुंच जाते हैं और अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं, उनका पीछा करते हैं और गौओं की जान बचाते हैं। कई बार इन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई है। दोस्तों नए बच्चे देश और गांव के गौरव होते हैं, देश का भविष्य होते हैं, गांव का भविष्य होते हैं, समाज का भविष्य होते हैं। हमें नए बच्चों को भी आगे प्रोत्साहित करना चाहिए, जैसे कि उनसे रेस वगैरह करवाना, कुश्ती कबड्डी खेलों में भाग दिलवाना बच्चों को और उनको आगे बढ़ाना। अगर बच्चे आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, गांव आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, क्योंकि नौजवान पीढ़ी जो है, हमारे जो बच्चे हैं, नई पीढ़ी है, वो हमारे समाज और देश की रीढ़ की हड्डी होती है। और रीढ़ की हड्डी अगर कमज़ोर होगी तो जो समाज रूपी जो महल है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगा, क्योंकि बच्चे समाज की नींव का काम करते हैं। तो बच्चों को प्रोत्साहन दें और नए नए खेलों में इनको भेजें और इनको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भी भेजें, अपने बच्चों को, अपने गांव के, अपने समाज के बच्चों को। अगली खबर है नेपाल भाई गांव सौंद से, उन्होंने बताया कि गांव में पीने के पानी और सिंचाई के पानी की समस्या को लेकर सीएम साहब को शिकायत दी, और उन्होंने ये कहा है कि हम तो अकेले ही लड़ रहे हैं इस लड़ाई में। तो नेपाल भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप अकेले नहीं हैं। अगर आप सच्चाई के रास्ते पर चलते हो और सत्यता का पालन करते हो और सच का साथ देते हो तो आपके साथ हम भी हैं, आपके साथ पूरा गांव है, पूरा समाज है। बस आप आगे बढ़ते तो जाइए, कुछ थोड़ा सा आगे कदम तो बढ़ाइए, फिर आपको पता लगेगा कि आपके पीछे धीरे धीरे पूरा गांव, पूरा समाज और पूरा देश चलने लगेगा। वो कहते हैं कि मैं तो यूं ही चला मंजिल की तरफ और धीरे धीरे मेरे पीछे कारवां बनता गया। तो आप अगर सही रास्ते पर चलते हैं, समाज की भलाई के लिए कोई कार्य करते हैं, लोगों की भलाई के लिए कोई कार्य करते हैं, तो देखते ही देखते बहुत सारे लोग आपके साथ हो जाएंगे। इसमें आप ये शिकायत मत करिए कि आप अकेले ही चल रहे हैं, हम आपके साथ हैं। अगर आप सच्चाई पर चलते हो, लोगों की भलाई के लिए कार्य करते हो, हम आपके साथ हैं, पूरा चैनल आपके साथ है और पूरे गाँव के लोग आपके साथ हैं, जिनको आप जानते भी नहीं हो वो भी आपके साथ हो जाएंगे अगर आप अच्छे काम करते हैं। तो नेपाल भाई हिम्मत मत हारिए, आप आगे बढ़ते रहिए, अच्छे काम करते रहिए, सभी लोग आपके साथ हैं। अगली खबर है सतपाल गुरुजी ने पार्क में फिर से पेड़ लगाए, वे पेड़ पौधों की देखरेख करते रहते हैं हमेशा और ये अच्छा काम है, ये मैं बता देना चाहता हूँ आपको। सतपाल गुरुजी ने इस पार्क के अंदर पहले भी पेड़ लगाए थे, जो कि पानी की कमी की वजह से कहिए या फिर गर्मी की वजह से कहिए, वो पेड़ सूख गए थे। इसी चीज़ को देखते हुए फिर से सतपाल गुरुजी ने पेड़ लगाए हैं और अब बारिश का मौसम है, अब उन्होंने जो पेड़ लगाए हैं उनकी होने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि हवा में नमी है, बारिश होती रहती है, उनको पानी मिलता रहेगा और लू नहीं चल रही, यानी कि गर्मी ज़्यादा नहीं है। तो ये मौसम पेड़ लगाने का बहुत ही अच्छा होता है,
और सतपाल गुरुजी पेड़ पौधों की देखरेख भी करते रहते हैं और बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं समाज के लिए, अच्छा संदेश है। और दोस्तों मैं आपसे भी ये कहना चाहता हूँ, किसी भाई को पेड़ लगाने हैं तो फिलहाल बहुत ही अच्छा मौसम चला हुआ है पेड़ लगाने का। इस मौसम में पेड़ बहुत ही जल्दी हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी बड़े होते हैं, यानी कि सूखते नहीं हैं। अगली खबर, हतीन DTP विभाग ने हतीन में अवैध रूप से काटी कॉलोनियों में चलाया पीला पंजा, पक्के मकानों को नहीं तोड़ा, बाकी जो कच्चे मकान बने हुए थे या किसी की प्लॉट की बाउंड्री हो रही थी, जो गरीब लोग अपने घरों को नहीं बना पाए थे, उनके जो बाउंड्री वगैरह थे उनको तोड़ दिया गया और पक्के मकानों को नहीं तोड़ा गया, यानी कि यहाँ पे पक्षपात किया जा रहा है। पता नहीं कैसी राजनीति है और क्या करना चाहते हैं ये नेता लोग और क्या करके मानेंगे, तो यानी कि राजनीति चलाते हैं हर क्षेत्र के अंदर। अगली खबर है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अटोहा मोड़ पर चल रहे किसानों के धरने पर आज महिलाओं ने नाच गाकर कृषि कानूनों का विरोध किया। बिल्कुल सही बात है, चौमासा चल रहा है, सावन का महीना है, तो महिलाएं किसी से पीछे क्यों रहें, वो भी नाच गाकर अपनी खुशी जाहिर कर सकती हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगली खबर है, पलवल के बसंतगढ़ गांव में घर जा रही महिला को दो बाइक सवार युवकों ने मारी टक्कर, स्थानियों ने दोनों को पकड़कर पुलिस को दी सूचना। युवक थे बाइक सवार और उन्होंने एक महिला को टक्कर मार दी बाइक से, वहां के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने उन बाइक वालों को पकड़ लिया और पुलिस पर फ़ोन कर दिया, पुलिस के हवाले उन लोगों को कर दिया और उस महिला को पहुंचाया हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। पलवल के बस स्टैंड परिसर में बारिश होने से कई फुट तक भर जाता है पानी, रोडवेज को हो रहा है नुकसान, क्योंकि रोडवेज के अंदर जब पानी भर जाता है, रोडवेज बस का जो अड्डा है वहाँ पे पलवल परिसर, उसमें पानी भर जाता है तो वहाँ पे बहुत सारी सवारियाँ अंदर नहीं आ पाती हैं बसों में बैठने के लिए, और बाहर से ही प्राइवेट संसाधनों में बैठकर अपनी मंजिल पर पहुँच जाते हैं, तो इससे रोडवेज को नुकसान होता है। और वहाँ पे जब हमने जानकारी ली तो वहाँ पे वो बता रहे हैं वो लोग कि ये पलवल परिसर है हाईवे से नीचा पड़ जाता है, इसीलिए इसके अंदर पानी भर जाता है। किसी विभाग को इस बारे में देखा है? हाँ, कमेटी वालों से कही थी जी, पिछली बार भी वो खाली करके गए थे और अब दोबारा कहेंगे खाली कर जाएंगे जी, पर 2-4-10 दिन में ना दीवार का काम शुरू हो जाएगा जी, और जैसे ही दीवार का काम शुरू होगा तो गेट भी बन जाएगा, समस्या हल हो जाएगी। क्या कारण क्या है? कोई पानी कारण, ये सड़क से थोड़ा नीचा है जी, ये जो हमारा जीट रोड जा रहा है इससे नीचा थोड़ा, अगर ये ऊंचा हो जाएगा तो फिर इससे पानी नहीं बढ़ेगा, भरेगा। तो इसको ऊंचा कराने के लिए, भर्त कराने के लिए? नहीं, भर्त नहीं, जब जैसे दीवार होगी ना जी तभी हो जाएगा। ये यात्री हैं रोडवेज के या जो आपके कर्मचारी हैं, कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती? देखो जी, परेशानी तो काफ़ी, अब आते हैं जूते चप्पल सब भीग जाते हैं, चप्पलों वाले तो हाथ में ले लेते हैं और जूते वाले के तो जूते भीजते ही हैं। अब इसमें क्या लगता है, जिस तरह से यात्री रोजाना रोडवेज में यात्रा करते हैं, जलभराव से कितना प्रभावित है यात्री? देखो जी, अब जैसे पानी भर गया है तो इसकी वजह से यात्री तो अंदर आते नहीं है, वहाँ रोड पर ही खड़े हो जाते हैं, तो प्राइवेट व्हीकल भी बहुत चल रहे हैं, नुकसान तो होता ही है। तो इससे कहीं ना कहीं जो रोडवेज विभाग है उसको भी नुकसान है? हाँ, उसको भी नुकसान है। कितना नुकसान मान के चलते हो जैसे आप? अब जी ये तो अनुमान मुश्किल ही है, पर फिर भी नुकसान होता है। क्या लगता है जो नगर परिषद के अधिकारी हैं वो सब ध्यान नहीं दे रहे, किसकी लापरवाही है? लापरवाही क्या है जी, वैसे ये थोड़ा सड़क से नीचे है, जैसे भर्त हो जाएगा सही, समस्या था। बाकी काफ़ी परेशानी है? हाँ, परेशानी तो काफ़ी है, बारिश के दिनों में तो काफ़ी परेशानी हो जाती है। 1000 है जो रोडवेज के कर्मचारी हैं वो भी? हाँ, वो भी परेशान है जी, अंदर आने के लिए तो परेशानी उठानी पड़ती है। पलवल छज्जू नगर गांव नंगला के मुख्य रास्ते पर सड़क ना होने पर हो रहा जल जमाव, लोगों को हो रही परेशानी, बहुत ही ज़्यादा परेशानी का इन लोगों को सामना करना पड़ रहा है, और यहाँ पक्के रास्ता बनना चाहिए जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो, अभी तक भी कच्चा है, आज के ज़माने में ऐसे रास्ते बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, यह सिर्फ़ और सिर्फ नाकामयाबी है पंच और सरपंचों की, वहाँ के लोगों की। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के आगरा चौक पर बन रहे फ्लाईओवर के कारण राजमार्ग व शहर की अन्य सड़कों पर लगता है रोज जाम। दोस्तों, आगरा चौक पर आपने देखा होगा पलवल के अंदर वो जो पुल बन रहा है उसको 7-8 साल हो गए शायद मेरे हिसाब से,
अभी तक वो बनने में नहीं आ रहा है, यानी कि लोगों को परेशान कर रखा है, ना ही वो बनता है ना ही उसका कोई सॉल्यूशन है। लोग वहाँ पे परेशान हो जाते हैं, उनकी गाड़ियाँ जाम में कई घंटों तक फंसी रहती है, किसी को इमरजेंसी का काम है तो वहाँ पे फंस कर रह जाता है। बहुत ही गलत किया हुआ है, इस फ्लाईओवर को जल्दी से जल्दी पूरा कर देना चाहिए। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, फ्लाईओवर तो अभी बना नहीं और जो सड़क बन चुकी थी वो अभी से टूटने लगी है, यानी कि अभी तो पूरा कार्य निर्माण कार्य हुआ भी नहीं है और रास्ता ख़राब हो चुका है। कैसे ठेकेदारों को ये ठेका दिया था कोई पता ही नहीं है इसका। अगली खबर है, नूह गोहाना गांव में विकास कार्य नहीं होने से रास्तों की हालत बदहाल, ग्रामीणों ने सरपंच पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। ग्रामीणों ने कहा है कि सरपंच कहता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, सिर्फ अपने घर के आस पड़ोस के रास्ते बनवा लिए उसने और हम गरीबों के रास्ते को नहीं बनवाया। हर बार वोट मांगने के लिए आते हैं, कहते हैं कि हम आपके रास्तों को बनवाएंगे, इसी बहाने से वोट मांग कर ले जाते हैं और फिर उसके बाद मुंह तक नहीं दिखाते हैं। इस तरह का काम चला हुआ है। ग्रामीणों की सुनिए रिपोर्ट। ये पैसा इन्हें बिल्कुल हड़प जाता है, काम नहीं कराता है बिल्कुल गाँव में। कोई भी गली ऐसी नहीं है जो इन्हें पक्की करवा रखी है, कोई गाँव को एक आध गली पक्की करवा रखी है, इन्हें बिल्कुल फिर भी हमारी कच्ची पड़ी है, आधी बांधी आधी नहीं पड़ी है। सरकार पैसा डाल रही है, वो सरकार पैसे नहीं डाल रही है, ये सबको खा जाते हैं और ये काम कुछ नहीं करवाते हैं। वोटिंग के टाइम पर हम गांव का विवाद बढ़ाएंगे, बढ़िया हम गांव की गलियों को पक्की करेंगे, हम लड़का लगवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ काम नहीं हो रहा है गाँव में, कोई सुनाई नहीं है। गरीब आदमी की तो कोई वो नहीं है, अपना पेट को भरते हैं, दूसरे जाए वह बाहर में अपना सारा पक्का करवा रखे हैं इनने और अपने चौथे भी पक्का करवा रखे हैं सरपंच ने, और हमारे देखो क्या पोजिशन खराब है। वोटर के टाइम पे हमको बका लेते हैं, हम तुम्हारा काम कराएंगे, गलियों को पक्की करवाएंगे, दगड़ा पक्की करवाएंगे, कुछ काम नहीं होता इस गांव में। भाई हाथ जोड़ का पेल है मेरी, इस गांव की सुनाई करो। तो दोस्तों अगली खबर है, पुराना पंजाबी कॉलोनी में दुकान का ताला तोड़कर 2 लाख के सामान की चोरी करने वाले 3 आरोपियों को बिसरू मोड़ से गिरफ्तार किया। वो बंद दुकानों का ताला तोड़ करके दुकानों में से बंडल के पूरे ऐसा कुछ सामान ले जा रहे थे, तो यानी कि टोटल मिलाकर 2 लाख रुपए के सामान को उन्होंने चोरी किया और थैलों में भर भर कर ले जा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, और उनको बिसरू मोड़ से गिरफ्तार किया है पुलिस ने और अब वो रिमांड पर हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो दोस्तों ये थी कुछ खबरें और मैं उम्मीद यही करता हूं कि आपको ये खबरें पसंद आती होंगी। फ़िलहाल तो मैं ये खबरों का प्रोग्राम इसलिए लेकर आ रहा हूं क्योंकि अभी दूसरे प्रोग्राम बन नहीं पा रहे हैं तो इसी से काम चलाते हैं, लेकिन हम अपने चैनल पर अभी आगे आने वाले समय में और भी बहुत सारे प्रोग्राम लेकर आने वाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिस भी भाई ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, जिससे आगे आने वाले प्रोग्राम की आपको जानकारी मिल जाए, और मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप हमारे चैनल को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे। तो दोस्तों यह थी आज की खबरें और नेक्स्ट प्रोग्राम हम कल शाम को 8 बजे फिर से लेकर आएंगे आपके समक्ष। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।